मैं ज्यादा खाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आए हैं लाहौर के रेस्टोरेंट मोनाल, और हम आपको बताएंगे कि लाहौर में हमारा कैसा एक्सपीरियंस होता है मोनाल में। और हम करने क्या हैं यहाँ पे, हाइकिंग करने हैं। बाकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें देंगे मोनाल। यार फिर मैंने गलत टाइम पे आ गया, मुझे लगता है मैंने तो वो प्लेटर खाया था, यूनिटिंग खा लिया फिर प्लान बन गया किधर आ गए। अगर पता होता ना पहले खाली पेट आना, दबा के खाना था। हाई टी हम करेंगे दबा के। हम आए छह दोस्तों के साथ। ये अवैध असलम जो नीचे बैठा हुआ है, एक्सेस मैक्स। ये ब्लू जाइल लाल बिलियाल है, वो हमारा टिकटॉकर उस्मान खशाश भी है। तो फाइनली ये हमारा बुफे स्टार्ट हो गया हाइकी, और हम देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या। और ये हैं मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ आए हैं। तो ये हमारी हाइकी स्टार्ट हो गई है, और ये मेरे जो साथ आए हैं दोस्त शादी का खाना समझ के खा रहे हैं। एंड में इन्हें बिल देना पड़ेगा तो इन्हें अलग पता चलेगा। स्टेप भी रुका, स्टेप ये पड़ी हुई है। मैं सॉरी, इस भी चिकन बाकी उधर ओके सर, उधर नीचे रख, मुझे भी लेके आना शायद। चिकन सर वो ये पड़ेगा, ये पड़ी हुई है यार। बस ठीक है, एक जेट ज्यादा नहीं, बस चमिन ये तो तुम दिखावे के लिए ले। तो मुझे को ये क्या है, गोला? ये गोला कबाब है जी। निकल आ जाओ चलो। और ये हमने पहली प्लेट भर ली है, और कसूर यम्मी। ये बिलाल दूसरी प्लेट पकड़ते हुए। वैस दिल नहीं भरा था इससे पहले। अच्छा अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया हमने दो दो प्लेट्स खाए, और हमने क्या क्या खाया, मलाई बोटी, विंग, मंचूरियन राइस, और बोनलेस फिश, और टिक्का। और आइए आपको दिखाते हैं। सब प्लीज मेरे में भी डालना, यही सा गिरा दिया है। कितने चलाक हो तुम यार, मैंने कहा मेरे में भी डाल दो मेरी प्लेट में। तुम लोगों से डिसाइड नहीं हो रहा ना क्या डाले। गाइस मैं जेली खाने लगा हूं। ओके तो उस्मान साहब क्या डालने लगे? ब्राउनी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो डाल। मैंने कहा हम दोबारा कस्टर्ड खाएंगे, आपको टेस्ट करके बताएंगे। नहीं नहीं मैं अपना कोटा पूरा करूंगा, टेंशन नहीं लो। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आऊंगा दोबारा, रसमलाई खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, और वो कस्टर्ड खाऊंगा। अब हो जाएगा यार गोल गप्पे, उसके बाद सूप फिट जाएगा। 200 पे लगेगा, वो दवाई मैं बिलाल साहब की भी बस बस हो चुकी है, खा खा के
नहीं ना मौज आपकी पास हुई है कि नहीं? मैं आराम आराम से मैंने तुमने अभी शुरू किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओ गुड, उस्मान हाशमी का पेट देख लो, ओ बढ़ गया है, बढ़ गया है। और वो रहा अवैस, जो जिसे दुख है कि मैंने दोपहर का खाना क्यों खाया। और ये मैं हूँ, और बहुत ज़्यादा खा लिया। और मुनाल पता नहीं क्यों बदनाम था, लेकिन मुनाल का तो केस अच्छा है खाने में। और हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, शाम हो गई है, अजानें हो गई हैं। ये है हमारे पार्टनर्स जिनके साथ हम आए हैं। और ये है मुआज किलो, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा खा ली लेकिन ये बता नहीं। ये है मौस पिलो, हाँ मौस पिलो, पिलो डिलो पिलो, बॉडी भर गया पेट, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। पता नहीं कौन कहता है कि मुनाल नहीं अच्छा, लेकिन मुनाल की हाइटी बहुत अच्छी, बहुत मजे की है। लाहौर में इस्लामाबाद का पता नहीं, इस्लामाबाद जाएंगे तब आपको बताएंगे। बिलाल खा रहा है आलू बहारे इमली की चटनी, बहुत मजे की है। और ये उस्मान हाशमी अब इसी कश्मकश में लगे हुए कि अब हमने और क्या खाना है। समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं, इतनी चीज़ें देखे ना समझ नहीं आती। और हमने यहाँ पे यकीन मानो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, 35 डिशेज ना 15 तो हमने खा ली होंगी। हाँ 15 से 20 हाँ खा ली भी नहीं और उस्मान हाशमी पिएगा कश्मीरी चाय। और फाइनली हमने खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा मुनाल से पेट भर के, 35 डिशेस थी और हमने 15 से 20 खा लिया। और अब हम पी रहे हैं, ये लास्ट डिश है चाय पी, ये डिश नहीं है, ये लास्ट है हमारा। मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी और ये पी रहा है कश्मीरी चाय। और बाकी अपने दोस्तों से जाके रिव्यू लेते हैं कि कैसा है। तो ये अब आ गया है रिव्यू टाइम, सबसे पहले हम चलते हैं मुआज की तरफ। मुआज साहब, आपको आज मुनाल का कैसा एक्सपीरियंस रहा हाइटी का? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले बुक किया था उल्फान में, और मैंने अभी जो है लेकिन बहुत अच्छा। एक तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है दोस्तों के साथ, अपने रूममेट के साथ, अपने यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के साथ आना एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और बड़ी यादगार बनती है, एक मेमोरी होती है जो इंसान ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाने को, यूनिवर्सिटी के लाइफ के बाद भी बंदा भी याद करता है, मिस करता है। वो इमोशनल हो गए थे थोड़े से, और हम इनको यहीं पे कट करते हैं और दूसरा टेक लेते हैं काइंडली। अच्छा तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आपको मुनाल का रिव्यू कैसा लगा? मुनाल का रिव्यू? हाँ रिव्यू और व्यू कैसा लगा? यार यहाँ पे आज ना पहले एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी ना, मन में लोग ऐसी होती हैं कि मतलब मुनाल का खर्च है या ये कुछ ऐसे नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुनाल इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू ईट, वेरी गुड प्लेस टू व्यू द होल सिटी। ओके शुक्रिया। अब हम चलते हैं बिलाल की तरफ। यार पेट बहुत भारी हुआ है यकीन करें। अगर आप व्यू की बात करें तो आप कैमरे में देख सकते हैं, व्यू बहुत कम आ रहा है। और अगर आप खाने की बात करें तो डिलीशियस है। एक लफ्ज में आपने इसको करना हो तो क्या कहेंगे? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। यहाँ पे हम करते हैं अपना व्लॉग एंड। तो यहाँ पे हम अपना करते हैं व्लॉग का एंड। यहाँ का व्यू और यहाँ का रिव्यू अच्छा था, और हमें बहुत मज़ा आया मज़े का खाना खा के। और आप लोग रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले फूड ब्लॉग के साथ, रहिएगा आप हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।